नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर का फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के चारों तरफ आपको रेड कलर का पाइप नजर आ रहा है। तो ये रेड कलर का पाइप क्यों लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर में फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। तो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम क्यों लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर में फायर क्यों जनरेट होता है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर का फायर फाइटिंग सिस्टम के ऊपर काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे मैं जितना सारा वीडियो लाऊं वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ट्रबल शूटिंग वीडियो मिल जाएंगे, चाहे PLC हो, VFD हो, ट्रांसफार्मर, मोटर, हॉइस्ट एंड क्रेन का भी आपको वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में फायर क्यों लगता है, आग क्यों लगता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग रहते हैं और ट्रांसफार्मर के ऊपर हम जितना लोड देंगे उतना टेम्परेचर ट्रांसफार्मर के अंदर पैदा होगा और उसी टेम्परेचर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऑयल डाला जाता है, ऑयल कूलिंग होता है और कभी कभी तो एयर और फैन के थ्रू भी कूलिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कूलिंग का काम ऑयल करता है और ऑयल लेवल को देखने के लिए हम लोग MOG का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक के ऊपर MOG लगा रहता है, MOG को देख के हम लोग ऑयल लेवल कितना है, कितना ऑयल हमको टॉप अप करना है, ये सब वहाँ से पता चलता है MOG से। अगर ऑयल लेवल कम हो जाए तो MOG से भी अलार्म आ जाता है दोस्तों। और एक चीज़ रहता है दोस्तों, OTI एंड WTI, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर को देखने के लिए ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगाया जाता है। सेम उसी टाइप का ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट के लिए बकल्स रिले लगाया जाता है और प्रेशर रिलीज वाल्व भी होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फिजिकल प्रोटेक्शन है और ये फिजिकल प्रोटेक्शन का कनेक्शन हम लोग हमारा इनकमर ब्रेकर पे किए होंगे और ये सारे फिजिकल प्रोटेक्शन को हम लोग इनकमर ब्रेकर में जो रिले लगाया जाता है, रिले में सब इनपुट दिए होंगे, जनरली दिया जाता है। मान लीजिए कोई OTI, WTI उसका अलार्म ट्रिप आ जाए तो हमारा इनकमर ब्रेकर तुरंत ही ऑफ हो जाता है, तुरंत ही ट्रिप हो जाता है इनकमर ब्रेकर और पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों, आपका जितना सारा फिजिकल प्रोटेक्शन हो या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, ये तुरंत ही आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑफ करवा देगा। जैसे आपने देखा होगा मोटर का मॉड्यूल, कभी कभी क्या होता है, मोटर भी हाई करंट लेता है तो उस समय हमारा मॉड्यूल ट्रिप हो जाता है, यानी उसका जो प्रोटेक्शन रिले लगाया जाता है या फ्यूज, ये तुरंत ही पावर सप्लाई को कटअप कर देता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि इतना सारा प्रोटेक्शन होते हुए भी आपका मॉड्यूल जलने लगता है। तो दोस्तों, मॉड्यूल क्यों जलता है, क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से मॉड्यूल जलता है। अंदर से साइड में कोई स्पार्क हुआ होगा तो उसकी वजह से मॉड्यूल जलने लगता है। आपने ये वाला देखा होगा इंडस्ट्री में, जो लोग काम करते हैं इलेक्ट्रिकल में, कहीं ना कहीं आपने तो ये देखा होगा। पहले तो कोई स्मेल आएगा, बर्निंग स्मेल आएगा, उसके बाद पूरा मॉड्यूल जलने लगता है। तो उस समय आप क्या करते हैं, तुरंत मॉड्यूल को ऑफ करते हैं, मॉड्यूल को उसको फायर फाइटिंग सिस्टम से ऑफ, उसको आग को बुझाते हैं। सेम उसी टाइप का अगर ट्रांसफार्मर का अंदर कोई स्पार्क हो जाए, वाइंडिंग का अंदर से स्पार्क हो जाए, शॉर्ट सर्किट की वजह से वो स्पार्क हो जाए और धीरे धीरे ट्रांसफार्मर जलने लगे, उस समय तो आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, प्रोटेक्शन सिस्टम काम कर रहा होगा, वो तुरंत ही पावर सप्लाई को ऑफ कर देगा, ब्रेकर को ऑफ कर देगा, लेकिन आपका ट्रांसफार्मर जलने लगेगा दोस्तों। उस टाइम आपको तुरंत ही ट्रांसफार्मर को फायर फाइटिंग सिस्टम से उसको आग को बुझाना है। तो ये आग बुझाने का काम यहाँ पे करता है हमारा जो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। तो अभी आपको समझ में आया कि ट्रांसफार्मर में क्यों आग लगता है और फिर ट्रांसफार्मर को क्यों आग बुझाना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर फायर फाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कब फॉल्ट आ जाए और कब आग लगे, ये किसी को नहीं मालूम, इसीलिए ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए यानी ऑटोमेटिक, जब भी आग लगे ये तुरंत ही उसमें वाटर को स्प्रे करे। तो दोस्तों, ये जो सिस्टम है ये वाटर स्प्रे सिस्टम है, पहले से यहाँ पे वाटर मौजूद रहता है और वाटर स्प्रे करने के लिए बहुत सारा स्प्रिंकल लगे होते हैं। तो ये हो गया वाटर स्प्रे।
तो पहले ये सिस्टम कैसे पता करेगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर में आग लग गया है। इसलिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा सेंसिंग यूनिट लगाए जाते हैं जो कि आग लगने के बाद तुरंत उसको सेंस करता है, और जब भी ये सेंस करता है तो तुरंत ही उसका सोलेनोइड वाल्व ऑन हो जाता है और पूरा ट्रांसफार्मर में पूरा पानी स्प्रे होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर का आउटसाइड में ये वाला वाटर पहले से मौजूद रहता है, यहाँ पे सोलेनोइड वाल्व रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आग कहाँ पे लगे, किस समय लगे, किसी को मालूम नहीं, तो इसलिए हमको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। यानी ये जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, ये भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ट्रांसफार्मर में जब भी आग लगे ये तुरंत उसको वाटर स्प्रे करें। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का ये जो वाटर स्प्रे सिस्टम, इसको बीच बीच में हम लोग टेस्टिंग करते हैं, यानी उसको मैनुअली चेक करते हैं। जैसे आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, फायर वाले भी उनका फायर फाइटिंग सिस्टम को वो लोग मेंटेनेंस करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं। सेम उसी टाइप का ये जो सिस्टम है, इसको भी हर 3 महीने में एक टेस्ट करना पड़ता है, ताकि हमको पता चल सके कि एक्चुअली ये जो वाटर सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, वाटर स्प्रे हो रहा है, इसका सोलेनोइड काम कर रहा है। इसको हर 3 महीने में टेस्ट करना पड़ता है। तो आज हम चलिए देखते हैं कैसे इसको टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है वाटर सिस्टम का कंट्रोल वाल्व, ये उसका मेन वाल्व है और साइड में आपका बाईपास वाल्व है। तो ये दोनों वाल्व से ये कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये जो वाटर स्प्रे सिस्टम रहता है ये पूरा ऑटोमेटिक रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो मीटर देख रहे हैं दोस्तों, ये उसका प्रेशर गॉज है और साथ ही साथ उसका अंदर भी सोलेनोइड वाल्व है। यानी जब भी ट्रांसफार्मर में आग लग जाए तो तुरंत स्प्रे सिस्टम का जो सेंसर रहता है वो सेंसर सेंस करता है और वहाँ से उसका नोजल टूट जाता है। जैसे ही नोजल टूट जाता है तो ये जो वाटर स्प्रे सिस्टम का ये जो कंट्रोल वाल्व, ये पूरा बैलेंस होकर रहता है, लेकिन अगर एक उसका सेंसिंग वाल्व टूट जाए तो तुरंत सोलेनोइड वाल्व खुल जाता है और वाटर स्प्रे होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर वाटर स्प्रे हो रहा है और पूरा देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तक पूरा जैसे बारिश हो रहा है, और देखिए कितना प्रेशर मेंटेन कर रहा है ये। इसीलिए इसे बोला जाता है हाई वोल्टेज वाटर स्प्रे सिस्टम। लेकिन ये वाटर स्प्रे सिस्टम को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को दोनों साइड से ऑफ कर दीजिए, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर का टर्मिनल बॉक्स, मार्शलिंग बॉक्स और जितना सारा आपको फिजिकल प्रोटेक्शन नजर आ रहे हैं, यानी जहां पे केबल का यूज हुआ है उसी केबल का कनेक्शन को आप लोग पॉलीथीन इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह से ढांक दें, ताकि ये जो पानी उसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को टच ना हो सके, उसके अंदर ना घुस सके, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर को आप दोबारा फिर चालू करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप कॉलिन कवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये टेस्ट खत्म होने के बाद ट्रांसफार्मर को और एक बार आप मेगर कीजिए, अगर करने के बाद ही फिर आप दोबारा ट्रांसफार्मर को चार्ज कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर तो लाइन में था दोस्तों, इसके ऊपर लोड था, हमने बस ये टेस्टिंग करने के लिए इसको पॉलीथीन कवर लगाया था। अगर आपने पॉलीथीन कवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है वाटर स्प्रे होके उसका टर्मिनल के ऊपर चला जाए, इसलिए सबसे अच्छा है पॉलीथीन कवर लगा दीजिए और उसको और एक बार चार्ज करने से पहले इसको मेगर करें दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसफार्मर में जब भी आग लगे तो कैसे वाटर स्प्रे होता है, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।